घर में शादी का माहौल उस समय मातम में बदल गया जब दूल्हे की ही मौत हो गई। खजूरी औधपुर गांव में मंगलवार सुबह खेत पर विद्युत मोटर बंद करने के दौरान दूल्हे को करंट लग गया। इस पर उसे परिजनों ने तुरंत सांगोद CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के बड़े भाई राम निवास मीणा ने बताया कि खजूरी औधपुर निवासी छोटा भाई बहादुर मीणा उम्र 27 वर्ष, पुत्र बाबूलाल सुबह खेत पर मोटर बंद करने गया था। इसी दौरान ट्रांसफार्मर के पास करंट लगने के कारण अचेत हो गया। जब काफ़ी देर बाद भी घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसको तलाशते हुए खेत पर गए, जहां वह बेहोश मिला। उसे कोटा जिले के सांगोद अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक का मंगलवार शाम को बासन व बिंदौरी का कार्यक्रम था। बुधवार को सांगोद तहसील के गाँव बागड़स्या से शादी के लिए लड़की वाले औधपुर गांव आने वाले थे, लेकिन दूल्हे की मौत के कारण सभी तैयारियां धरी रह गईं। आज सुबह 10:30 बजे हमारे थाना पनवाड़ में जिला झालावाड़ सूचना प्राप्त हुई। सूचना CHC सांगोद जिला कोटा ग्राम से प्राप्त हुई कि आपके इलाके थाना गांव औधपुर का बहादुर मीणा की मृत्यु खेत पर काम करते समय हुई है। इस इतला पर हम CHC सांगोद आए, जहाँ पर देखा तो बहादुर पुत्र बाबूलाल जाति मीणा उम्र करीबन 57 साल, जो इसके काका हंसराज ने बताया कि यह सुबह 6 बजे करीबन खेत पर चने की फसल पानी पिलाने के लिए गया होता, जिसके करंट लगने से मृत्यु हुई है। अभी पोस्टमार्टम हो गया पोस्टमार्टम हो गया, पंचनामा पोस्टमार्टम सुपुर्द इलाज कर दिए, आपका नाम जाँच जारी है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।